हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है जिसमें क्वालिफिकेशन जो है केवल 10th पास, यदि आपने 10वीं पास की है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के इसमें 230 पदों पर वैकेंसी आई है, SC के 133 पदों पर, ST के 44 पदों पर वैकेंसी है, EWS जो है 45 पदों पर वैकेंसी है। इसके अलावा जो है अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करें तो कुल 510 पदों पर ये वैकेंसी है और शैक्षणिक योग्यता केवल जो है इसमें 10th मांगी गई है। अगर आपने इससे अधिक जो है क्वालिफिकेशन ली हुई है तो आप बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आप 10वीं पास होने चाहिए। आवेदन जो है वो 5 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हैं, लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। झारखंड फील्ड वर्कर के पदों पर वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम कहें तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है मेंस एग्ज़ाम होगा। फ़ीस जो है वो मात्र 100 रुपये ही लग रही है, आपको 100 रुपये फ़ीस का भुगतान करना होगा। SC ST की जो है केवल 50 रुपये फ़ीस है। सैलरी की यदि हम बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 पर मंथ जो है आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। कैसे आवेदन करना है तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, jssc.nic.in, ठीक है। उसके बाद जो है होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन है, इस पर आपको अप्लाई कर देना है। ज़्यादा फीस भी नहीं है, मात्र 100 रुपीज़ है और योग्यता भी जो है वो ज़्यादा नहीं मांगी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। जितनी भी सरकारी नौकरी है, शिक्षक भर्ती से जुड़े जितने भी विज्ञापन जारी होते हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है। और जहां मुझे लगता है कि योग्यता केवल 10th 12th ग्रेजुएशन मांगी गई है तो ऐसे वीडियो जो है सरकारी नौकरी के बिल्कुल बनाए जाते हैं, ताकि जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो करें। तो इसमें जो है वो आवेदन आप करना चाहते हैं तो करिएगा। आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 है और अधिकतम 35 ईयर है। जो आरक्षित वर्ग रहेंगे तो उनको आयु सीमा में छूट बिल्कुल दी जाएगी और आयु की जो गिनती है आपकी वो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा। थैंक यू।